हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने टॉपिक सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल। ओके, आपको याद होगा कि मैंने लास्ट टाइम बनाया था वीडियो, उसमें था सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलॉइड। तो इस बार हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ प्लेन कॉइल, ठीक है ना। इसके लिए पहले हम पढ़ते हैं कुछ बेसिक पॉइंट। देखिए, आज की बेसिक पॉइंट्स में भी पढ़ना है, सिर्फ दो पॉइंट्स हैं। पर पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कॉइल है, सर्कुलर फॉर्म में है, और इस कॉइल में मान लिया हमने आई करंट फ्लो हो रहा है, और जिस इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो मान लिया हमने एन है, ठीक है। और आर, आर इस कॉइल की रेडियस है। तो इस कॉइल के सेंटर पर, मान ली सेंटर O है, तो इस कॉइल के सेंटर O पर जो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर। ओके, ये फॉर्मूला होता है एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर ड्यू टू करंट, करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसकी वैल्यू। ओके, और दूसरा आपको ये पढ़ना है कि सर्कुलर अगर कोई कॉइल है तो उसके लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसकी वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक सर्कुलर अगर कॉइल है तो उसके लिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि ए की वैल्यू होगी पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए, दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम लोग एक प्लेन कॉइल के सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके, मान लिया हमने यहाँ पर एक प्लेन कॉइल है, ये मान लिया। ओके, ये मान लिया हमने कॉइल है। अब मान लिया हमने इस कॉइल की जो रेडियस है वो हमने मान लिया आर, ये सेंटर है, और इस कॉइल में हमने मान लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो इसकी पूरी कहानी और जो करंट फ्लो हो रहा है वो मान लिया आई। तो जो आपको पूरी इसकी स्टोरी बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आपको लिखनी है वो थोड़ा देखिए यहाँ पर। लेट स्मॉल आर बी द रेडियस ऑफ अ प्लेन कॉइल कॉमा कैपिटल एन बी द नंबर ऑफ टर्न्स कॉमा चाहे दीजिएगा आप इसको एंड स्मॉल आई बी द फ्लोइंग करेंट इन दिस कॉइल। तो देखिए, यहां पर एक सिंपल सा लैंग्वेज है कि इस प्लेन कॉइल की जो रेडियस है वो आर है, इस कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है, और जिस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है स्मॉल आई है, ठीक है ना। तो अब यहां पर करेंगे देयरफॉर, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ प्लेन कॉइल इज। तो एक प्लेन कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फॉर्मूला आपको बताया गया है, अप्लाई कर देंगे B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर, वेयर आर द रेडियस। आपको हम बता दें फिर से, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिबिलिटी, और जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7 यूनिट। चलिए, अब देखिए हमें यहाँ पर बी मालूम होगी, अपन हमें तो यहाँ पर फाइंड करना है कैपिटल है, तो अब इसकी बात से निकालेंगे नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स निकालेंगे इसका। तो सिंबल इसका होता है फाइव, और फॉर्मूला होता है फाइव का बी इंटू ए, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहाँ पर बी इंटू ए में हम यहाँ पर बी की लगा देंगे वैल्यू, बी की वैल्यू है म्यू नॉट एन आई अपॉन टू आर इंटू, यहाँ पर लिखा हुआ है ए, और ए की वैल्यू है पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई साथ में पाई, यहाँ पर देखिए आर दो बार है, यहाँ पर आर एक बार है, तो एक आर यहाँ पर कैंसिल आउट, अपॉन यहाँ पर आ गया कितना टू, और यहाँ पर आ गया वन टाइम आर। ओके, तो ये आपका सॉल्व करने पर आ गया, ये हमारा आगे पाई भी। अब यहाँ पर निकालेंगे तो नाउ मैग्नेटिक
फ्लक्स लिंकेजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस का सिंबल होता है n phi b, मतलब कि phi b में n से इनटू होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम लोग, यहां पर लिखा हुआ है n, n लगा दिया इनटू phi b, phi b की वैल्यू इसको मान लिया हमने फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग phi b की वैल्यू यहां पर अप्लाई कर देते हैं। phi b की वैल्यू देखिए क्या है, म्यू नॉट n i phi r अपॉन, ठीक है, अपॉन में कुछ मतलब आई होगी पूरे में, यहां पर अपॉन में लिखा हुआ है आपका 2, ओके। तो यहां पर n लगा दिया और यहां पर हमने लगा दिया phi b की वैल्यू, सॉल्व करेंगे हमारा आ जाएगा म्यू नॉट n स्क्वायर i phi r अपॉन 2, और ये यहां पर लगा देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमें मालूम होगा कि ये स्टेप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यूज करके लिखा गया है, ठीक है ना। तो ये पूरी हमारी वैल्यू आ गई n phi b की। अब यहां पर हम लोग आराम से निकाल लेंगे l की वैल्यू, नाउ सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब l, तो l का फॉर्मूला होता है n phi b upon i, पढ़ा है आपने, ओके। इस फॉर्मूले हम लोग सॉल्व कर लेंगे l is equal to, यानी कि ये फॉर्मूला होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, l is equal to यहां पर लिखा हुआ है n phi b और नीचे लिखा है i, हम नीचे वाले i को अलग से लिख देते हैं 1 upon i into, और यहां पर लिखा हुआ है यहां पर n phi b, n phi b की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से n phi b की वैल्यू पूरी यहां पर हम कॉपी कर देते हैं, म्यू नॉट n स्क्वायर i pi r upon 2। अब देखिए i से i कैंसिल आउट, तो यहां पे हमारा आ गया l is equal to म्यू नॉट n स्क्वायर i, तो कैंसिल आउट हो गया है pi r upon 2, ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा है कि प्रीम कॉइल के लिए सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर बोर्ड एग्जाम में कभी एप्लीकेशन आता है तो आपको विद फिगर विद प्रॉपर राइटिंग स्किल पूरा आपको ऐसे दिखाना है कंप्लीट, ओके। ये आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से है। थैंक यू सो मच, और हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और एक और बात आप सब क्या चाहते हैं कि अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कोई भी अगर आपको टॉपिक टफ लग रहा है या फिर अगर उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज आप कमेंट करिए, आपको हम वो टॉपिक का वीडियो बना के तुरंत आपको सेंड कर जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू।